एक बार एक प्रोफेसर एक क्लास में आते हैं और सभी क्लास के बच्चों को बोलते हैं कि आज बच्चों तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट होगा। ये सब सुनकर बच्चे घबरा जाते हैं और उसके बाद प्रोफेसर बोलता है, बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, आज मैं बुक्स में से कुछ नहीं पूछूंगा, जो कुछ पूछूंगा तुम्हारी जिंदगी में से पूछूंगा। ऐसा करके वो सबको क्वेश्चन पेपर दे देता है। क्वेश्चन पेपर देने के बाद सब बच्चे देखते ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि सबको एक सफेद पेपर देता है और उसके बीच में एक ब्लैक डॉट लगा होता है, यानी कि काला चिन्ह लगा होता है। ये सब देखकर बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये क्या, आपने तो बोला था क्वेश्चन पेपर देंगे, लेकिन ये तो एक ब्लैक डॉट और बाकी प्लेन पेपर व्हाइट कलर का एकदम। तो प्रोफेसर बोलता है, कोई बात नहीं, ये जो ब्लैक डॉट है और ये पेपर है, ये तुम्हारा आज का क्वेश्चन पेपर है। अब तुम्हें डिफाइन करना है कि तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करना है और तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम। ये सब सुनकर बच्चे उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने लग जाते हैं। कोई डॉट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करता है, कोई कुछ एक्सप्लेन करता है, ऐसे करके सब 15 मिनट का समय बीत जाता है। सब बच्चे अपना काम पूरा करते हैं और प्रोफेसर वो आंसर शीट ले लेता है। आंसर शीट लेने के बाद प्रोफेसर सबकी आंसर शीट पढ़ता है और पढ़ने के बाद में बच्चों को बताता है कि आपने सबने ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक डॉट के बारे में एक्सप्लेन किया, बाकी इसका 99% हिस्सा व्हाइट है जिसके बारे में किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। यही सेम हमारी ज़िंदगी में भी होता है। 1% जो ब्लैक डॉट यानी कि दुख होता है उसको हम लेके बैठ जाते हैं, बाकी 99% जो खुशियाँ होती है, जो अच्छा समय होता है, उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उसको हम सही से जी नहीं पाते। और यही बात हमारे रिश्तेदारों के साथ होती है, उनकी एक या दो बुराई के कारण हम उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं, बाकी 99% वो सही होते हैं, उनके साथ रिश्ता कायम करके हम खुशनुमा ज़िंदगी नहीं जी पाते। अगर रील्स पसंद आई तो लाइक फॉलो और शेयर ज़रूर करें।